मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मंडी जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मकर संक्रांति मनाने मंडी के करसोग पहुंचेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऐसे में करसोग में मकर संक्रांति पर कोल और माश की खिचड़ी का स्वाद चखेंगे सीएम सिंह सुक्खू। और साथ ही प्रसाद तत्तापानी में सीएम सिंह जो सीएम है वो जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले की अध्यक्षता भी करते नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री दोपहर के बाद 2:30 बजे करीब तत्तापानी पहुंचेंगे, वहां भी कार्यक्रम सीएम के रहने वाले। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। मकर संक्रांति को मनाने के लिए सीएम सुक्खू जो है वो मंडी जाएंगे, उसके बाद तत्तापानी के लिए 2:30 बजे के आसपास रवाना होने वाले। ऐसे में आज जो कार्यक्रम सीएम सुक्खू के रहने वाले हैं, मकर संक्रांति का पावन त्यौहार मंडी में मनाते नजर आएंगे सीएम सुक्खू। और सीएम बनने के बाद पहली बार मंडी जाएंगे और उसके बाद मकर संक्रांति मनाने के लिए मंडी के करसोग पहुंचेंगे सीएम। और साथ ही करसोग में मकर संक्रांति पर कोल और माश की खिचड़ी का प्रसाद चखेंगे। और साथ ही तत्तापानी में सीएम जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेले की अध्यक्षता भी करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद 2:30 बजे के करीब पहुंचेंगे तत्तापानी। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए नितेश सैनी हमारे संवाददाता मंडी से फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश सैनी, आज क्या कुछ कार्यक्रम मंडी में रहने वाले हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के? जी बसंत, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मंडी जिला के अपने दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री का जोरदार यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और मुख्यमंत्री यहाँ पर कोल और मास्क, यहाँ पे जो खिचड़ी है मकर संक्रांति के पर्व पर बनाई जाएगी, उसका प्रसाद भी यहाँ पे चखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला तत्तापानी में आयोजित किया जाना है उसकी अध्यक्षता भी यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। जी ठीक है नितेश सैनी, इसके अलावा भी क्या कुछ कार्यक्रम रह सकते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंडी में, क्योंकि मंडी के साथ खासा लगाव रहा है, जनता के बीच में क्या उत्सुकता है अपने सीएम को अपने बीच आता देखते? मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इसके अलावा कोई और यहाँ पे दौरा नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति का जिला स्तरीय जो मेला है यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जनता को एक बड़ी सौगात भी मेले के माध्यम से यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम तय है उसके बाद मुख्यमंत्री शिमला रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। जानकारी दे रहे हैं मकर संक्रांति जो हमारे ये पर्व मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, ये तत्तापानी में विशेष रूप से सारे हिमाचल में प्रसिद्ध जगह है तुलादान करवाने के लिए। गर्म पानी के स्रोत हैं इधर स्नान करने के लिए। विशेष तौर पे जो माघ महीना होता है वो अन्न दान करने के लिए, वस्त्र दान करने के लिए और स्नान करने के लिए सबसे हिमाचल में सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ पर सारे हिमाचल, हिमाचल से ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा आदि प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए, तुलादान करने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो मकर संक्रांति के लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ मकर संक्रांति के लिए मुख्य अतिथि बनाया है, वह उन्होंने आना भी स्वीकार किया है। तो उनके लिए जो हमने की है वो माश की और कोल की अलग अलग किस्म की खिचड़ी बनानी है। तो मेरा यही है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर उनका धन्यवाद।